नमस्कार दोस्तों, आदाब। साहित्य सुधा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, साहित्य सुधा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हमारे देश की जो अपनी भाषाएं हैं, हिंदी, उर्दू और संस्कृत, इनको हम ये चाहते हैं कि हर इंसान तक ये भाषाएं पहुँचे, लोग इनको सीखें, इनको इस्तेमाल करें और अपनी खूबसूरती के साथ अपनी बात को कहें, अपनी कम्युनिकेशन को ज़बरदस्त खूबसूरत बनाएं, दमदार बनाएं, इफ़ेक्टिव बनाएं और ब्यूटीफुल बनाएं। दोस्तों, इसी कड़ी में आज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ दर्द भरी शायरी। ये ऐसे शेर है दोस्तों जो दर्द से भरे हुए हैं। दर्द भरे शेर कब लिखता है इंसान? जब उसका दिल ज़ख्मी हो, उसके साथ बेवफाई हुई हो, बेरहमी हुई हो, उसका दिल टूट गया हो। तो दोस्तों, एक एक करके आपको सारे शेर बताता हूँ। जो पहला शेर है दोस्तों, ये जानिसार अख्तर साहब ने लिखा है। जानिसार अख्तर साहब को पूरी दुनिया जानती थी, बड़े नामचीन शायर थे। शायद जहाँ तक मुझे याद है 1980-81 में ये खुदा को प्यारे हुए थे, इनकी मौत हुई थी पाकिस्तान में। तो जानिसार अख्तर साहब का शेर देखिए कितनी कमाल की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा, ये इल्म का सौदा। इल्म क्या है दोस्तों? इल्म का मीनिंग होता है एजुकेशन। जो शिक्षा होती है हमारी, जो शिक्षा दीक्षा हमारे पास है, कोई भी जो कला हमारे पास है, उसको इल्म कहते हैं। तो जैसे मैं भी टीचर हूँ, तो मेरे पास एजुकेशन है और मैं दूसरों को पढ़ाता हूँ, जब तो मैं अपने एजुकेशन को उनको देता हूँ, तो मुझे इसके बदले में उनसे पैसा नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या करें दोस्तों, कैसे काम चलेगा? ऊपर से दिल पे हज़ारों जख्म लगे वो अलग। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें। रिसाला क्या होता है दोस्तों? जो मैगज़ीन जैसे होती है कोई पत्रिका, उसको रिसाला कहते हैं। तो जो पढ़ा लिखा आदमी है उसका टाइम कैसे बीतेगा? वो अब उसकी चारों तरफ किताबें, मैगज़ीन से ही तो होंगी। और वैसे भी लोग अपने आप को बिज़ी इतना कर लेते हैं, जैसे मैं 16 से 18 घंटे रोज़ काम करता हूँ, जिससे कि मुझे बाकी चीज़ें याद ही ना रहें। आप समझ गए बात की गहराई को? तो वही बात कही जा रही है दोस्तों कि ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें जो अपने चारों तरफ इतना फैला रखा है, क्यों अपने आप को बिज़ी करके रखा हुआ है? क्यों रखा हुआ है? एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए, कि वो शख्स मुझे याद ना आए, मैं उसको भूला हुआ रहूं, इसलिए अपने आप को इतना बिज़ी करके रखा है। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए। अच्छा दोस्तों, देखिए प्यार करने वाले कैसे होते हैं। जैसे सामने वाले इंसान ने हमको धोखा दे दिया जिसे हम प्यार करते थे, तो लेकिन अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम उस आदमी के ऊपर कभी इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे कि तुमने बेरहमी की हमारे साथ, तुमने हमारे साथ बेवफाई की। लोग यही कहते हैं सच्चा प्यार करने वाले कि शायद मेरी किस्मत ख़राब थी, तभी तो मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिला, तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है, तभी तो मेरी किस्मत ख़राब है, तभी तो मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिला। देखिए, इसी बात को बताने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत शेर है। तो ऐसे किसी इंसान ने कहा कि कैसे कहूँ जुबान से कि तू मेहरबान है, कैसे कहूँ जुबान से कि तू मेहरबान है। अब मैं क्या कहूँ कि तुम मेरे ऊपर मेहरबान नहीं है, कि तुमने मेरे साथ बुरा किया, मैं कैसे कहूँ? लेकिन ये मेरा नसीब कि मैं शादमा नहीं। शादमा होता है दोस्तों खुश, प्रसन्न, हैप्पी को शादमा की मीनिंग होती है, अरबी भाषा का शब्द है। तो कैसे कहूँ जुबान से कि तू मेहरबान नहीं, लेकिन ये मेरा नसीब कि मैं शादमा नहीं। और उसके बाद देखिए कि ये तो मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं कहाँ से खुश रहूँगा, ऐसा कहने वाला कह रहा है सच्चा प्यार करने वाला। और फिर क्या है दोस्तों, देखिए कमाल की बात है, देखिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, कि रग रग में जिसके नश्तरे गम के शिगाफ हों, जिसके रग रग में, रोम रोम में गम का नश्तर लगा हुआ है, गम के नश्तर के जख्म है। शिगाफ का मीनिंग होता है दोस्तों, शिगाफ की मीनिंग है जो छेद हो जाते हैं या जो क्रैक्स होते हैं, दरारें जो होती हैं, उनको कहते हैं शिगाफ। तो यही बात कही जा रही है कि रग रग में जिसके नश्तरे गम के शिगाफ हों, वो क्या बताए दर्द कहाँ है कहाँ नहीं। अब मैं कहाँ बताऊँगा क्या कि मेरे कहाँ दर्द है? यहाँ तो रोम रोम में, रग रग में गम का नश्तर लगा हुआ है, मैं कहाँ बताऊँ कि यहाँ दर्द है कि यहाँ दर्द है? पूरे शरीर में, पूरे बदन में ही दर्द है, पूरे बदन में गम का नश्तर लगा हुआ है। तो दोस्तों शेर है कि कैसे कहूँ जुबां से कि तू मेहरबान नहीं, लेकिन ये मेरा नसीब कि मैं शादमां नहीं, कि रग रग में जिसके नश्तरे गम के शिगाफ हों, वो क्या बताए दर्द कहाँ है कहाँ नहीं। और दोस्तों उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, आदमी जब प्यार करता है, इश्क करता है आदमी, तो उसकी बदनामी भी होती है बहुत। कहते ना, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया और डूब के जाना है, बच तो सकते नहीं आप। अब मजनू को लोगों ने कहा ना दीवारे, मजनू तो दीवाना हो गया, उसकी बदनामी भी बहुत। तो इसी बात पर फिर शायर ने कहा कि वह चश्मे मस्त कितनी खबरदार थी अदम, वह चश्मे मस्त कितनी खबरदार थी अदम,
खुद होश में रही हमें बदनाम कर दिया। खुद तो होश में रही, उससे उसके बारे में किसी को पता नहीं चला कि उसने किसी से इश्क किया था, लेकिन हम सारी दुनिया में बदनाम हो गए इश्क करके। वह चश्मे मस्त कितनी खबरदार थी अदम, खुद होश में रही हमें बदनाम कर दिया। दोस्तों ये शेर जहाँ तक मुझे मालूम है अब्दुल हमीद अदम साहब का ये शेर है। अदम नाम है उनका, उनके लगभग हर शेर में अदम वर्ड रहता है, तो ये उनका शेर है। ये जो शेर है दोस्तों, कैसे कहूँ जुबान से कि तू मेहरबान नहीं, ये शायर कौन है इसके ये मुझे भी नहीं पता। ये शेर मैं बचपन से जानता हूँ, तो मैंने बहुत छोटी उम्र में ये शेर सुना था और सीखा था। आज मैंने सोचा आप लोगों के सामने इसको पेश कर देता हूँ। तो बाकी ये पहला शेर जानिसार अख्तर साहब का है, और ये जो शेर है ये अब्दुल हमीद अहमद साहब का है, आदम साहब का है, और ये शेर गुमनाम है शायर, मुझे नहीं पता। और मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे पता नहीं चल पाया कि इसके शायर कौन है। तो दोस्तों मैं सारे शेर एक बार फिर से आपको पढ़ के सुना देता हूँ, देखिए कितने खूबसूरत शेर हैं और कितनी खूबसूरती से अपनी बात को कहा गया है कि ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। और कैसे कहूँ जुबां से कि तू मेहरबान नहीं, लेकिन ये मेरा नसीब कि मैं शादमा नहीं, कि रग रग में जिसके नश्तरे गम के शिगाफ हो, वो क्या बताए दर्द कहाँ है कहाँ नहीं। और उसके बाद कहा गया दोस्तों कि वह चश्मे मस्त कितनी खबरदार थी अदम, खुद होश में रही हमें बदनाम कर दिया। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज के ये शेर पसंद आए होंगे। अगर आपको शेर अच्छे लगे हों, आप आगे भी इस तरह के शेर मुझसे सुनना चाहते हों, हिंदी में कविताएं, उर्दू में गज़लें, नज़में, संस्कृत में श्लोक, ये सब सीखना चाहते हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूरी चैनल को शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इन शेरों का लुत्फ ले सकें, इनका फ़ायदा उठा सकें। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं आपको फिर से कुछ बहुत ही खूबसूरत शेर ऐसे ही बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत ही प्यार मिल रहा है मुझे, और इसके लिए मैं आपका बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।